आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाने शिक्षकों की नई नियुक्ति के बजाय प्रतिनियुक्ति के आड़ में बड़ा खेल खेला गया। जिला दफ्तर में सीधे संपर्क कर शिक्षकों ने मनपसंद स्थान पर अपनी नियुक्ति करवा ली। बीओ की सूची को अनदेखी कर अपनी मनमर्जी से सूची जारी करने वाले डीओ ने मंत्री से शिकायत के बाद अपना सुर बदला है। हत्या के मामले में जेल में बंद काजल किन्नर की खराब सेहत के चलते अस्पताल में 2 दिनों से उपचार चल रहा था। इस दौरान मौका देखकर गुरुवार को बाथरूम की खिड़की से भाग निकला। फिलहाल इस घटना के बाद 2 जेल प्रहरी को सस्पेंड कर दिया गया है। प्यार अंधा होता है, जिसके जुनून में पड़ा इंसान सही गलत की मर्यादाओं को लांघकर कुछ भी करने को तैयार रहता है, फिर उसे समाज की परवाह नहीं होती। ऐसा ही एक मामला सूरजपुर से सामने आया है, जहां पर 7 बच्चों की मां, जिसके पति की मौत पहले ही हो चुकी है, वह अपने प्रेमी के साथ छूमंतर हो गई। इतना ही नहीं, घर में रखे सारे पैसों को भी बटोर कर चली गई। इधर प्रेमी के साथ भागी विधवा प्रेमिका के बच्चों को माँ के भागने का गम नहीं, उन्हें इस बात का मलाल है कि उनके द्वारा कमाए गए रकम जो करीब 3.5 लाख रुपए थे, उससे क्यों ले गई। दो सगे भाइयों सहित 4 सटोरिये गिरफ्तार, राजधानी पुलिस ने आधी रात दी दबिश। रायपुर पुलिस ने बीती रात अवंती विहार इलाके में दबिश देकर 2 सगे भाइयों सहित 4 सटोरियों को धर दबोचा। पुलिस का कहना है कि यह चारों मिलकर इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच हो रहे मैच में ऑनलाइन ऐप क्रिकेट के जरिए खलवाली कर रहे थे। राजधानी रायपुर में क्रिकेट सट्टा जैसे अपराधों पर लगाम ही नहीं लग पा रहा है। क्रिकेट मैच भारत में हो या फिर विदेशों में, सटोरिये इन मैचों पर क्रिकेट मजा ऐप के जरिए सट्टा प्रेमियों से पैसे लगाने पर मजबूर करते हैं। राजधानी में यह पहला मामला नहीं है जब सटोरिया गैंग पर पुलिस ने दबिश दी है। महाराष्ट्र के पुणे में रिश्तों को शर्मसार करने वाला घटना सामने आया है। यहाँ एक बेटे ने पहले अपनी मां को मौत के घाट उतारा, फिर उसके अंगों को काटकर खाने की कोशिश की। वहीं अब इस मामले में 4 साल बाद कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने आरोपी कलयुगी बेटे को मौत की सजा सुनाई है। शिमला रवानगी से पहले सीएम ने एक बार फिर केंद्र पर साधा निशाना, बोले पेट्रोल की कीमत सचिन की सेंचुरी की तरह पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। आज हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के अंतिम संस्कार के लिए शिमला रवानगी होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा में कहा कि देश में पेट्रोल की कीमत सचिन तेंदुलकर की शतक की तरह लगातार बढ़ रहा है। राजधानी रायपुर में जीजा को अपनी साली की आबरू लूटने के इल्जाम में पकड़ा गया। साली का यूं फायदा उठाने वाले इस शख्स की पत्नी और 2 बच्चे हैं। कुछ महीनों से ये अपनी सगी साली की ओर आकर्षित हुआ, उसे प्यार और शादी करने जैसी बातों में उलझाया और फंसा लिया। पुलिस को खबर मिली थी कि आरोपी लड़की के साथ शहर छोड़ने की कोशिश में है। इसके बाद टाटीबंध के पास से इसे घेर कर पकड़ा गया और लड़की को उसके घर वालों को सौंप दिया गया। एसीबी के पूर्व चीफ और निलंबित आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ गुरुवार देर रात राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। एसीबी के लिखित शिकायत पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं सूत्रों के अनुसार अब जल्द ही पूर्व आईपीएस जीपी सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है। राजधानी रायपुर के माना थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस ने 2 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए माना थाना प्रभारी दुर्गेश रावटे ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर हाट बाजार में ग्राहकों का इंतजार करते आरोपी द्वारका बारले उम्र 21 वर्ष को टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। ओलंपिक में इंडिया का जोश बढ़ाएगा छत्तीसगढ़, राजधानी में जगह जगह सेल्फी जोन। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का जोश बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ ने अनोखी तरकीब अपनाई है। इसके लिए राजधानी रायपुर में जगह जगह सेल्फी जोन बनाए गए हैं। खेल प्रेमी इन जगहों पर अपनी सेल्फी लेकर अपनी वॉल के साथ साथ छत्तीसगढ़ खेल विभाग ऐप के फेसबुक पेज पर #cheersforindiatokyo2021olympics के साथ पोस्ट कर सकते हैं।